खैर आप दिखाइए पैनल को। कहा है गावसर, कहां थे इतने दिनों से आप भाई? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। खाली पहले आप ये बताइए, मैं तो बताऊंगा मैं कहां था, लेकिन पहले ये बताइए भोपाल में ज्यादा ठंड या जयपुर में ज्यादा ठंड? जयपुर का आइडिया नहीं है, देख के लग नहीं रहा था जयपुर में ज्यादा ठंड है, भोपाल में तो फिर उस हिसाब से तो काफी ठंड थी। जाके पता चलता है, देख के तो खैर। अच्छा इस बार वैसे ठंड बहुत ज्यादा पड़ी नहीं है अब, लेकिन वो बारिश वारिश हो गई नॉर्थ इंडिया में, उसके बाद ठंड बढ़ रही है। कविता जी बताएंगे आपको ज्यादा बेहतर, लेकिन दिसंबर एंड तक तो ठीक था, ऐसा कुछ खास नहीं थी। लेकिन चलिए आज के टॉप कॉल्स के साथ शुरुआत कर रहा हूं। स्टिंग प्ले आउट करिएगा आज के टॉप कॉल्स की। गावसर, रडार पे कौन सा स्टॉक? वेल, रडार पे स्टॉक का नाम है बिरला सॉफ्ट। बिरला सॉफ्ट का रीजन ये है कि बेसिकली चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, कुछ दो हफ्ते से एक करेक्शन है और शायद थर्सडे से एक मूव दिखाया कि एक अपमूव मिलना चाहिए। अपमूव मिला है, 713 पे क्लोज हुआ है बिरला सॉफ्ट। स्टॉप लगाना चाहिए 700 का, 13 रुपीज का। टारगेट होना चाहिए 740 to 750, ये एक जोन है मेरे ख्याल से, वहां तक जाना चाहिए। तो 740 के नजर से बिरला सॉफ्ट पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। बिरला सॉफ्ट पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड, ये हो गई गावसर की पिक। कविता जी गुड मॉर्निंग, कविता जी बताइए आपकी पिक। वेरी गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो पहले ठंडी बहुत ज्यादा है और वास्तव में यहाँ बारिश भी हो रही है और आज तो येलो अलर्ट भी है। मैं बच्चे से पूछ रही थी छुट्टी वुट्टी नहीं है क्या स्कूल की, यार छुट्टी होना चाहिए थी। ओके एंड आशीष जी, आपको आपके फैंस बहुत मिस कर रहे थे, मुझे मेरे पास क्लाइंट्स के कॉल आ रहे थे और वो कहते कि छुट्टी बना रहे हैं सर, है का ना भोपाल में है, तो बोले हम भी मिस कर रहे हैं और हमारी वाइफ भी मिस कर रही है। बोले वो मजाकिया है ना तो हम देख पाते, अदरवाइज हम शेयर मार्केट समझ नहीं पाते हैं। तो आपको काफी मिस कर रहे थे, तो दिस इज मैसेज फॉर यू। एंड टॉप कॉल मेरा है आज बजाज फिनसर्व पर। सो बजाज फिनसर्व मंथली चार्ट सेटअप पर ये अबाउट टू गिव ब्रेकआउट है, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट आते हुए काउंटर पर दिख रहा है। यहाँ मुझे लगता है 1717 की फ्यूचर्स में क्लोजिंग है, अपसाइड 1751-1770 के प्राइस टारगेट के लिए बजाज फिनसर्व पर एक बाय ट्रेड देखना चाहिए। डिक्लाइन अप टू 1705 तक अगर काउंटर मिलता है वहां बाय करें, स्टॉप लॉस मेंटेन करें 1695 का। ओके बजाज फिनसर्व, खरीदारी करने का मन। सतपुत्र साहब गुड मॉर्निंग, सतपुत्र साहब आज का प्रेफर्ड पिक कौन सा साहब? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुजन, गुड मॉर्निंग एवरीवन, एंड आशीष जी वेलकम बैक। थैंक यू सर, बहुत मिस किया लास्ट वीक आपको सबने। आशीष जी देखिए, नजर है फार्मा सेक्टर पे। फार्मा में दो काउंटर मुझे बढ़िया लगता है, एक सिप्ला, सेकंड इज औरोबिंदो फार्मा। स्ट्रक्चर बेहतरीन है, पैटर्न अगर आप टेक्निकल पैटर्न के हिसाब से देखो तो दोनों के पैटर्न अच्छे हैं। तो अगर मुझे एक चुनना है तो मैं औरोबिंदो फार्मा को चुनूंगा फिलहाल। औरोबिंदो फार्मा का जो स्ट्रक्चर है, दैट्स अ ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन जिसका ब्रेकआउट हुआ है करीबन 10 दिन पहले, और 10 दिन से ये कंसोलिडेट हो रहा है अपने नेकलाइन के ऊपर। और ये जो नेकलाइन है वो 1100 के आसपास है, 1127 का इसका फ्यूचर में क्लोज है। जो भी डिप मिले इसमें बाय करें, स्टॉप लॉस हम 1100 के नीचे थोड़ा सा रखेंगे, प्रोबेबली आप कह सकते हैं 1090 एक सेफ स्टॉप लॉस होगा। तो बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी रखें। इसका जो टारगेट है आशीष जी वो है 1200 प्लस का। तो मुझे लगता है एक बड़ा ब्रेकआउट औरोबिंदो में ऑलरेडी हो चुका है, कंसोलिडेशन है और इस कंसोलिडेशन को बाइंग की तरह यूज करेंगे। ओके औरोबिंदो फार्मा, ये हो गई राजेश सतपुते जी की पिक। सचिन को जोड़ते हैं, सचिन गुड मॉर्निंग, सचिन बताइए क्या रहेगी आपके पिक? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी एंड वेलकम बैक। मार्केट जिस तरीके से यू नो फ्राइडे में पोजीशन था, एक फ्लैट यू नो क्लोजिंग थी, बट कहीं जाकर काफी सारे आईटी स्टॉक्स ने अपने गेन्स को रिटेन किया था एंड वहां पर कोफोर्ज में जो कॉन्फिडेंस था मुझे लग रहा है वो कॉन्फिडेंस अभी भी बरकरार है। तो डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी है, तो खरीदारी करनी है कोफोर्ज के फ्यूचर्स में। 6100 के आसपास की क्लोजिंग है, मुझे लग रहा है डिक्लाइंस अप टू 6060 तक खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉस आप 6040 पे लगाए। ड्यूरिंग द डे मुझे लग रहा है वापस एक 6180-85 के आसपास का स्विंग कंफर्टेबली बनेगा, पर पोजिशनली 6300 तक की यू नो टारगेट अपसाइड यहाँ पर अवेलेबल है। एक क्लासिक फ्लैट वेव करेक्शन यहाँ पर कंप्लीट हुआ था, पिछले 3 हफ्तों से ये स्टॉक करेक्टिव मोड पे है एंड जिस तरीके से डेली चार्ट पे एक क्लोजिंग एस्टैब्लिश हुई है वहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन है, तो मुझे लग रहा है कहीं जाकर एक अच्छे ट्रेंड उभरने के ही संकेत है। सो खरीदारी करनी है कोफोर्ज के फ्यूचर्स में।
कोफोर्ज खरीदारी करने का कॉल। वैसे ठंड का सही जायजा तो देंगे आपको मानस। मानस गुड मॉर्निंग सर, कैसा मूड? मक्खन मलाई खाई सीजन की नहीं खाई? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बिल्कुल देखिए बहुत ही बढ़िया ठंडक है जो इस टाइम वैसे एक्सट्रीम पे नहीं पड़ी। जैसे नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि जो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी होता है वहां पर 3-4 degrees भी टेम्परेचर हो जाता है, लेकिन वैसा नहीं हुआ। लेकिन बहुत ही अच्छी ठंडक है, मतलब इंजॉय कर किया जा सकता है। और होपफुली आपने बिल्कुल इंजॉय किया होगा, आप एमपी आए थे तो बिल्कुल आपने वहां पर इंजॉय किया होगा। तो देखिए जो आज का ट्रेड है वो आशीष जी नौकरी पे है, इन्फोएज पे खरीदारी करने की राय रहेगी क्योंकि यहाँ पर हाई टॉप्स हायर बॉटम बन रहे हैं। जो लास्ट सेशन था वो काफी बेहतरीन था क्योंकि स्टॉक ने 2 दिनों पहले ही 20-day मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था और लास्ट सेशन में जब बाइंग देखने को मिली तो वॉल्यूम्स काफी बेहतर थे, प्राइस ब्रेकआउट था। तो मेरा समझ रहा है कि यहाँ पर आपको एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। तो नौकरी पे खरीदारी करनी है, 5189 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 5375 तक के टारगेट्स पॉसिबल है इन्फोएज में। तो यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं, 5300 का कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है, 166 रुपए के प्राइस थे क्लोजिंग बेसिस पे, 129 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है इस ऑप्शन में और 245 के टारगेट सेट करना है। ओके इन्फोएज ये है मानस के रडार पर आज। एक्चुअली ये मेरे रडार पर भी आया था स्पॉटलाइट में, फिर खैर मैंने कोई और स्टॉक लिया, लेकिन चार्ट काफी अच्छा लग रहा है नौकरी का। यहाँ पर आशीष भैती को जोड़ लेते हैं। आशीष जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनुज जी आज की जो मेरी प्रेफर्ड पिक रहेगी वो आईसीआईसीआई बैंक रहेगी। स्टॉक जरूर अपने 20 NMA के नीचे है बट जिस हिसाब से फ्राइडे के सेशन में उसने एक बेस बना के बाउंस दिया है वो काफी इंप्रेसिव है और बैंक निफ्टी को सपोर्ट फ्राइडे के सेशन में आईसीआईसीआई बैंक ही दे रहा था। हमें लग रहा है कि जिस हिसाब से शॉर्ट्स निकले हैं इसमें और 1000 पे जिस हिसाब से कॉल राइटर्स है, अगर ये 1000 के बियॉन्ड निकलता तो उसमें 1022 तक की रैली देखने मिल सकती है। तो 1010 के पहले टारगेट एंड 1022 के सेकंड टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना वो 977 का कैसे मेंटेन करें। आईसीआईसीआई बैंक अभी चर्चा हो रही थी, एचडीएफसी बैंक दिक्कत में, थोड़ा सा आईसीआईसीआई बैंक में कुछ हद तक स्ट्रेंथ मिसिंग थी, पर भैती साहब मान रहे हैं कि शायद अब हो सकता है चलने की तैयारी कर डाले। उनकी प्रेफर्ड पिक आपकी स्क्रीन्स पर। एक बढ़िया सा आप टेक्नो फंड आइडिया। ये सारे आज के ट्रेड्स थे जिनको कुछ देर में मैं रैप अप भी कर दूंगा, लेकिन मयूरेश के पास चला जाए। मयूरेश जी गुड मॉर्निंग साहब, क्या लेकर आए आज? मॉर्निंग आशीष जी, मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल एंड आशीष जी वेलकम बैक। मेरी शायद थोड़ी गलती हो गई थी आपसे चैट करते वक्त, मुझे लगा आप इंदौर में हैं, आप तो भोपाल में थे। पीएसयू बैंक स्पेस से हमें मार्केट्स पर इंडिया में बैंक ऑफ इंडिया काफी अच्छा लग रहा है। ऑब्वियसली हमारे जो रेटिंग्स एंड रैंकिंग्स है, ईपीएस रेटिंग, आरएस रेटिंग जो काफी पहलों को दिखता है, ये टॉप नॉच है, टॉप क्वार्टाइल में है, यानी मिड कैप पीएसयू बैंक से शायद बैंक ऑफ इंडिया अर्निंग्स के लिहाज से और प्राइस एक्शन के लिहाज से दोनों अच्छा कर सकता है। दो चीजें, एक एडवांसेस ग्रोथ बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो रही है इन द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स एंड दैट इज प्रॉब्ली गेटिंग रिफ्लेक्टेड इन टर्म्स ऑफ बोथ बिजनेस ग्रोथ ओवरऑल और जो निम्स और रिटर्न रेशियोज हैं। निम्स 3.05% के आसपास है, कैपिटल एडिक्वेसी 12.5% के आसपास है एज फार एज टीयर वन इज कंसर्न। GNPA's, NPA's में एक स्टेडी डिक्लाइन दिखने मिला है, GNPA's at 5.85, नेट NPA's at 1.54 और मैनेजमेंट की उम्मीद है ये और कम होते जाएंगे इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स एंड अलॉन्ग विद रिकवरीज एंड अपग्रेड्स और जितनी प्रोविजनिंग है बैलेंस शीट के ऊपर 90% के आसपास सीधा बॉटम लाइन पे इम्पैक्ट बिकॉज ऑफ क्रेडिट रिवर्सल्स देखने मिल सकता है। जहां तक कॉर्पोरेट लोन बुक का सवाल है, वेल डिवर्सिफाइड है SMA 1 SMA 2 बुक जो एक की इंडिकेटर होता है कॉर्पोरेट लोन बुक हेल्थ का, ओवरऑल लोन हेल्थ का, लोन बुक हेल्थ का, दैट इज स्टेडीली डिक्लाइन टू 1.12% जो वापस रिफ्लेक्ट हो रहा है क्रेडिट कॉस्ट में जो 0.54% के आसपास है और बैंक को पूरी उम्मीद है कि 0.5 के नीचे अगले कुछ तिमाहियों में आ सकता है। फ्रॉम अ वैल्यूएशन परस्पेक्टिव अभी भी टाइम्स टू बुक के नीचे ट्रेड कर रहा है 0.9 times FY 2024 FY 2025 पे तो और सस्ता है। तो हमें लगता है आई थिंक बैंक ऑफ इंडिया एक अच्छा विकल्प हो सकता है, एक 22-23 प्रोसीजर्स के अब अपसाइड करंट लेवल्स पे देख रहे हैं तो स्टॉप लॉस प्लेस्ड एट 109। एक क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक मेरे पर्सनल होल्डिंग में नहीं है बट एक क्लाइंट्स को रिसर्च नोट द्वारा दिया गया है, क्लाइंट्स के पास इसकी होल्डिंग हो सकती है। बिल्कुल ठीक, बैंक ऑफ इंडिया रडार पर रखिए। वैसे कुछ सरकारी बैंक्स के क्वार्टर अपडेट्स भी आए तो सरकारी बैंकिंग एज अ स्पेस रडार पर रहेगी, वो अपडेट्स बाद में।
लेकिन ये है आज का टेक्नोफंडा आइडिया, पसंदीदा स्टॉक मयूरेश का। क्विकली रैप अप कर रहा हूं। गाबा सर ने शुरुआत करी थी और मेंशन करा था बिरला सॉफ्ट, खरीदारी करने का मन 700 के स्टॉप के साथ। बजाज फिनसर्व कविता जी की प्रेफर्ड पिक, 1695 के स्टॉप के साथ खरीदारी करने का मन। सतपुते साहब को फार्मा पसंद आ रहा है, दो स्टॉक्स मेंशन कर रहे थे सिप्ला और अरबिंदो, लेकिन जा अरबिंदो के साथ रहे। खरीदारी करने का मन, डिप्स में खरीदारी करिए, 1090 का स्टॉप लॉस लगाइए। मानस की प्रेफर्ड पिक इन्फो एज थी, नौकरी 5189 के स्टॉप के साथ खरीदना है, चाहे तो 5300 का कॉल लिया जा सकता है। ना सिर्फ बिरला सॉफ्ट, मिड कैप आईटी से कुफोर्ज भी रडार पर रखिए, सचिन को पसंद आ रहा, 6040 के स्टॉप के साथ खरीद के चला जा सकता है। दिग्गज आईसीआईसीआई बैंक, बहती साहब का प्रेफर्ड पिक 977 के स्टॉप के साथ, और थोड़ा सा मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव के लिए कुछ लेने का मन बना रहे हो तो बैंक ऑफ इंडिया पर नजर रखिए, इन लेवल्स पे गिरावट में एक्युमुलेट करने का मन, तेजी का कॉल मयूरेश की तरफ से। चलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हो गई भाई साहब, बढ़िया निफ्टी निफ्टी बैंक पे चर्चा, बढ़िया बिग स्टॉक्स, बढ़िया आज के हॉट पिक्स जो हैं सब चर्चा में आ गए।